दर्द का रिश्ता होता है। आपको मेरे ऊपर जरा सा भी यकीन नहीं है? किस बात का यकीन करूं तुम पर, किस बात का? अब मैं या इस परिवार का कोई भी तुम पर यकीन कर धोखा नहीं खाना चाहता। बहुत अच्छा मोबाइल है ये। अच्छा, सुरभि को पसंद आ जाएगा। सुरभि, तुमने ये मोबाइल सुरभि के लिए मंगवाया है? हाँ, ये लो सुरभि, तुम्हारे लिए मोबाइल। इसमें अपना सिम डाल लेना और ये तुम्हारे लिए चूड़ियां। मैं मंदिर गई थी तो मुझे बहुत पसंद आई, सोचा तुम्हारे लिए ले लूं। ये चूड़ियां पहनना जरूर, उस मंदिर की बहुत मानता है। कहते हैं कि ये चूड़ियां पहनने से सुहागन का सुहाग बना रहता है। भाजी, इस घर में सब लोग मेरे बारे में न जाने क्या क्या सोच रहे हैं, आप फिर भी मेरा ध्यान रख रही हैं। शायद मैं ऐसी ही हूं। याद है ना मैंने तुम्हें क्या कहा था, अपनी पढ़ाई का पूरा ध्यान देना और ये चूड़ियां भी पहन लेना। अरे केदार, तुम कहां से आ रहे हो? दफ्तर से आ रहा हूं भाई साहब। बाकेलाल के हटते ही अब एक एक करके सारी सच्चाई मेरे सामने आ रही। कौन सी सच्चाई? यही कि हमारी ऑफिस में बर्बादी का बुनियाद रखने वाला वही था। हमें धीरे धीरे बर्बादी की ओर ले जाने वाला बाकेलाल ही था। न जाने कितने अच्छे लोग हमसे मिलने वाले थे, वो उनसे मिलने ही नहीं देता था। हमारी कंपनी के साथ कितनी डील्स होने वाली थी, वो कोई भी डील होने नहीं देता था। तुम ठीक कह रहे हो। इस बीच मुझे भी ऐसे ही कुछ एहसास हुआ था। केदार, कल मेरी सुमन ट्रेवल से बात हुई और वो लोग हमारी शर्तों पर हमसे हाथ मिलाने के लिए तैयार है, लेकिन बड़ी अजीब सी बात है कि ये डील पहले कभी नहीं हुई थी। उसके पीछे भी बाकेला लिया भाई साहब। उसके जाने के बाद जब से ऑफिस में लोगों से मीटिंग्स शुरू की है, डील्स पूरी करने की कोशिश की है, तब जाकर पता चला कि बाकेला ने हमारे साथ क्या क्या गड़बड़ की है। ये सवाल तो सबके दिमाग में था और दूसरी सारी ट्रैवलिंग एजेंसी अच्छी चल रही है, फिर हमारी कंपनी क्यों घाटे में जा रही है? उसके पीछे भी बाकेला ही है बात। न जाने किस मकसद से वो इस घर में आया था, कि जब से उसने इस घर में कदम रखा, बस हम बर्बाद ही होते चले गए। हम तो कभी सोच भी नहीं सकते थे कि बाकेलाल हमारे साथ ऐसा करेगा। क्यों किया उसने ऐसा भाई साहब, आप जरा सोचिए। अगर हमारी कंपनी को नुकसान ही नहीं होता और हम पैसों के लिए इस कदर परेशान नहीं होते, तो कभी भी पीलीभीत वाली जमीन को बेचने की सोचते भी नहीं। इसका मतलब तो ये हुआ कि सारा का सारा खेल बाकेलाल का खेला हुआ है। पहले उसने हमारी कंपनी को उस हालत में पहुंचा दिया कि हम पैसे पैसे के लिए मोहताज हो जाए, और फिर उसने हमारी कंपनी को नीलाम होने की कगार तक पहुंचा दिया। हाँ शराब नहीं, अब मुझे लगता है कि बाकेलाल की ये सोची समझी चाल थी हमारी कंपनी को दिवालिया होने से बचाने के लिए, और दिल्ली में हमारे मान सम्मान को बचाने के लिए उसे बहुत अच्छी तरह से मालूम था कि
कि हम इसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। हाँ भाई साहब, पहले उस बाकीलाल ने हमें दिवालिया होने की कगार पर पहुंचाया, फिर उसी ने हमें सलाह दी कि हम मां को जाकर हरिद्वार की घाट पर छोड़ दे, फिर वो जमीन हमारे नाम हो जाएगी और उस जमीन को बेचकर हम अपना सम्मान बचा पाएंगे। हमारी बर्बादी का जिम्मेदार बाकेलाल है भाई साहब, हमें इस हालत में पहुंचाने वाला बाकेलाल है। मैं ये जानना चाहता हूं कि उसने ऐसा क्यों किया। हमने उसे इज्जत दी और उसने हमारे साथ धोखा किया। इन सारे सवालों का जवाब बाकेलाल को देना ही होगा। केदार, 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 अब तो मुझे भी लगने लगा भावना कि मैं तुम्हारा मुजरिम, तुम्हारा गुनहगार। मेरी क्या गलती है, मैंने क्या गुनाह किया है, ये मैं नहीं जानता, लेकिन ये दुनिया तो मुझे गुनहगार ही समझती है ना। और अब सच पूछो तो मैं भी अपने जमीर पर गुनाह का बोझ महसूस करने लगा हूं। नहीं, आपने कोई गुनाह नहीं किया, आपकी कोई गलती नहीं है। लेकिन सुर भी तो मुझे गुनहगार समझती है ना भावना। मैं उसे समझाता हूं, हालात के चक्रव्यूह में फंसकर वो हमें गलत समझ रही है। उसका फोन बंद आ रहा है। अरे हाँ, वो कह तो रही थी कि उसका मोबाइल खराब हो गया। फिर से ट्राई कर दो। बेल जा रही। नमस्ते फूफा जी। खुश हो बेटा? कहीं, किस लिए फोन किया है आपने? बेटा मैंने तुम्हें ये कहने के लिए फोन किया है कि अगर तुम भी हमें गलत समझने लगोगी तो हमारा तो हौसला ही टूट जाएगा ना। मैं तो खुद टूट चुकी हूँ फूफा जी, न जाने मेरी जिंदगी मुझे किस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दी है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। इस घर में मेरे साथ जो भी बर्ताव हो रहा है वो सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि आप मेरे फूफा जी हैं। मैं जानता हूं सर, और मैं ये भी जानता हूं कि जैसे ही माताजी सबके सामने आएंगी सब कुछ ठीक हो जाएगा। हाँ सुरभि, सब कुछ ठीक हो जाएगा, सारी गलतफहमियां दूर हो जाएंगी। लेकिन कब, कब फूफा जी? जब सब कुछ टूट जाएगा, खत्म हो जाएगा तब। आज तक आप जो भी बोलते आए मैं सुनती आई, मानती आई, लेकिन अब नहीं फूफा जी, क्योंकि अब जो मैंने सुना है उसके बाद तो मेरा विश्वास भी कमजोर पड़ गया है। सुरभि, मैं तुम्हें कोई सफाई नहीं देना चाहता और मुझे लगता है कि उसकी जरूरत भी नहीं है। तुम मुझे सालों से जानती हो, तुम ये बात अच्छी तरह जानती हो सुरभि कि मैं अपने सिद्धांतों के साथ कभी समझौता नहीं कर सकता। मेरे लिए मेरे उसूल और आदर्श सारी बातों से बढ़कर है। जहां तक तुम मुझे जानती हो, मैं पैसों के लिए अपने ईमान को कभी नहीं बेच सकता। इन सब बातों के बावजूद भी अगर तुम मुझे गलत समझना चाहती हो तो मैं कुछ कर नहीं सकता। तुम्हारे लिए मेरे दिल से यही दुआ निकलेगी कि तुम खुश रहो, सुखी रहो। मैंने हमेशा तुम्हें अपनी बेटी माना है और तुम्हारा बुरा मैं चाहकर भी नहीं सोच सकता। खुश रहो।
ये अमरनाथ और केदारनाथ चले गए उस आश्रम के मैनेजर के पास, उसको धमकाया। उन दोनों को ऐसा लगा कि उनकी धमकी सुनकर मैं बुढ़िया को लेकर उनके पास चला जाऊंगा। कितने भोले हैं बेचारे। बागेलाल, तुम्हारी इतनी हिम्मत? केदार, क्या कर रहे हो तुम? बहुत बुरा कर रहे हो। मैं बुरा कर रहा हूं? हमें बर्बादी के रास्ते पर डालने वाले तुम हो। तुम, हमने तुम्हें अपना भाई समझा, तुम्हें अपने घर में शरण दी, यहां तक कि अपने ऑफिस में भी बराबरी पर रखा, लेकिन तुम तो हमारी बुनियाद काटने में रहे बागेलाल। इतना बड़ा धोखा किया तुमने हमारे साथ, क्यों किया इतना बड़ा धोखा बताओ? हाँ, मैं तुम्हें बर्बाद करने आया था, वही करने तो आया था मैं, मगर अफसोस कि तुम्हें बर्बाद करने में मुझे बहुत वक्त लग गया। बाके, चिल्ला मत। अमरनाथ शर्मा, याद है तुम्हें वो दिन जिस दिन मेरा बेटा इलाज के अभाव में आकर मरा था? अगर तुम चाहते तो उसे बचा सकते थे, लेकिन उसकी मौत के बाद मेरे जीने का कोई मकसद ही नहीं बचा था। उसकी मौत के बाद मैंने तुम्हें बर्बाद करने के लिए अपना मकसद बना लिया। मैं तो तुम लोगों को बर्बाद कर देना चाहता था, अरे रोड पर लाना चाहता था मैं, लेकिन अफसोस कि तुम दोनों आज मेरे सामने खड़े हो। अरे मैं तो तुम दोनों को दुश्मन बना लेना चाहता था, नहीं, अरे मैं तो चाहता था अमरनाथ शर्मा कि तुम दोनों जिंदगी भर जेल की चक्कियां पीसो। अगर उस जमीन का सामना मेरे सामने नहीं आता तो मैं तो तुम्हें जेल की चक्की पीसने पर मजबूर कर देता। अच्छा, तो तुमने जानबूझकर हमारी कंपनी को दिवालिया होने की कगार में पहुंचा दिया था। हाँ, बहुत देर तक गई अमरनाथ शर्मा। और एक बात और सुनो, तुम जो उस रात जेल की हवा काट कर आए थे उसका कारण भी मैं था। मैंने जाकर पुलिस को बताया था। अब क्या कर लोगे तुम मेरा? क्या कर लोगे तुम मेरा, बोलो? अरे उल्टी गिनती तो पहले शुरू हो गई थी, अब तो तुम अपने दिन गिनना शुरू कर लो। ले जाओ अमरनाथ शर्मा, ले जाइए अपने इस भाई को। कहीं ऐसा ना हो कि मैं मजबूर हो जाऊं और आप लोगों को जेल में चक्की पीसना पड़े। एक बात याद रखना बाकी, जूता लाख चमकता हो लेकिन वो सर का ताज कभी नहीं बन सकता। तुम्हारी जो औकात कल तक थी ना, आज भी हमारे सामने तुम्हारी औकात भाई है। आपकी सेवा में कोई कमी नहीं होगी, लेकिन आप बेवजह कोई बात जानने की कोशिश मत करिए।
दर्द का रिश्ता होता है। आज भी हमारे सामने तुम्हारी औकात भाई है। जब से देख रहा हूं लगातार कुत्ते की तरह भौंक रहे हो, और हम सिर्फ खामोश इसलिए हैं क्योंकि हमारी मां तुम्हारे कब्जे में, और अगर वो तुम्हारे कब्जे में नहीं होती तो मैं तुम्हें अभी और इसी वक्त तुम्हारी औकात दिखा देता। खैर, तुम तो सवाल करने के भी लायक नहीं हो। अरे ये क्या सवाल करेगा, इसका मुंह क्या सवाल करने के लिए? हाँ सुन, जिसे हमने अपना समझा, अपना खून समझा, तुझ में और इसमें मैंने कभी कोई फर्क नहीं समझा, लेकिन अफसोस तो इस बात का है कि हमारे खानदान का होकर इसने हमें ही धोखा दिया। एक बात याद रखना बाकी, ये मत समझना कि हमारी सारी जमीन हड़प कर तुम करोड़पति बन जाओगे। तुम फिर हमारे पास आओ, हमारे कदमों में झुकोगे। लेकिन पिछली बार तो मैंने तुझे अपने गले लगा लिया था, लेकिन अब ऐसी लात मारूंगा ना कि जिंदगी भर याद रखेगा तू, समझा? अपनी औकात में रह लड़केदार। क्या मुझे मेरी औकात दिखाएगा? औकात तो मैं तुझे दिखाऊंगा अपने हिसाब से। ये लीजिए माता जी, आपकी दवा और खाना खाइए। ये कहाँ से लाई? दवा की दुकान से। जब से आई हूँ इसी कमरे में बैठी हूँ। मुझे तो ये भी नहीं पता कि ये जगह है कहाँ। हरिद्वार में ही है ना ये? माँ जी, आप ये क्यों जानना चाहती हैं? बस ऐसे ही, ताकि मैं जान जाऊं कि कहां हूं, तो इसमें क्या गलत बात है? नहीं नहीं माँ जी, मैं आपको बताती हूँ आप कहां हैं। अरे माँ जी, आप छोटे से कस्बे में जो ऋषिकेश और नैनीताल के बीच में है, और आपने ऋषिकेश और नैनीताल तो देखा ही होगा। हाँ, कई साल पहले केदारनाथ बद्रीनाथ यहाँ आई थी मैं, सब कुछ देखा था, लेकिन अब तो कुछ याद नहीं। अरे याद करने की कोई जरूरत नहीं माँ जी, आपकी सेवा में कोई कमी नहीं होगी, लेकिन आप बेवजह कोई बात जानने की कोशिश मत करिए। जैसे भी हो आपको यहाँ एक महीना गुजारना होगा। हाँ, माँ जी आप बुरा नहीं मानना इनका, आवाज ही इनकी भारी है, दिल के अच्छे हैं वैसे। अच्छे, आप एक काम करो, आप दवाई पी लो सबसे पहले, ठीक है? और खाना भी खा लेना। Thank you.
बात किया अपने फूफा जी से? अरे ये मोबाइल तुम्हें माँ ने बात करने के लिए दिया है, पूछो उनसे क्या फैसला है उनका। मुझे उनके फैसले से कोई लेना देना नहीं है। अब क्यों लेना देना नहीं है, पूछो उनसे क्या फैसला है उनका। क्या वो तुम्हें खुशहाल देखना नहीं चाहते या आकर तुम्हें ले जाना चाहते हैं यहां से? हाँ, अगर वो तुम्हें वापस भी ले जाना चाहते हैं तो उन्हें हमारी दादी माँ को यहां लाना। उन्होंने क्या किया और आप क्या कर रहे हैं इससे मुझे कोई मतलब नहीं। क्या तुम्हें समझ में नहीं आता कि अगर इस घर की वफादार नहीं हो सकते हो तुम, ये घर भी तुम्हारे प्रति वफादार नहीं हो सकता है। दर्द का रिश्ता होता है। उन्होंने क्या किया और आप क्या कर रहे हैं इससे मुझे कोई मतलब नहीं। मैं बस आपसे एक ही सवाल करना चाहती हूँ वैभव, अगर मेरे फूफा जी ने आपको कोई धोखा दिया, क्या आपके घर वालों के साथ बेईमानी की, तो उसमें मेरा क्या कसूर? आप मुझे किस बात की सजा दे रहे हैं? कसूर? वाह, सारी बात खुलकर सामने आ गई लेकिन तुम्हें अपना कसूर समझ में नहीं आ रहा। क्या तुम्हें समझ में नहीं आता कि अगर इस घर की वफादार नहीं हो सकती हो तुम, ये घर भी तुम्हारे प्रति वफादार नहीं हो सकता है। जो इज्जत इस घर ने तुम्हें दी है, गुजरते हुए वक्त के साथ तुम खोती जा रही हो। तुम्हारा क्या अंजाम होगा ये तुम्हें भी नहीं पता है। वैभव, मैं इस घर के साथ वफादार रही हूं तो इस घर को भी मेरे प्रति वफादार होना पड़ेगा। वैभव, आप गुजरे हुए वक्त की बात कर रहे हैं, मैं आने वाले वक्त की बात कर रही हूँ आपसे। हेलो शिखा। हाँ बोलो। कहाँ हो वैभव, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। बस 5 मिनट में तुम्हारे पास पहुंच जाऊंगा। तुम अब निकल रहे हो, वो कहाँ, तुम्हें सुरभि ने तो नहीं रोक लिया? सुरभि मुझे क्या रोकेगी, वो तो खुद कुछ दिनों की मेहमान है। थोड़े सब्र से काम लीजिए ना। कोई सब्र नहीं है दीदी, इन्होंने हमारी 20 एकड़ जमीन हड़प कर ली और इसी वजह से मुकुंद प्रसाद हमारी बाकी की जमीन का मालिक बन गया है। बस अब वो 20 एकड़ जमीन किसी तरह हमारे नाम हो जाए। अब वो 20 एकड़ जमीन से हमें क्या लेना देना रहना, अब चाहे वो 20 एकड़ हो या 200 एकड़, हमारा तो कोई वारिस ही नहीं। बस ये जमीन अगर हमारे काम आएगी तो सिर्फ इंतकाम के लिए।